से दिस इज मलुका आईएएस एंड दिस इज द स्टडी। और ऐसे ही बहुत सारी कोचिंगें हैं यहाँ पे ओल्ड राजेंद्र नगर में, तो यहाँ पे तभी आना कोचिंग लेके नहीं जब तुम्हें अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो एंड उसके साथ साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ साथ खुद पे कंट्रोल हो, क्योंकि यहाँ जितना पढ़ाई का मोल हो उतना ही डिस्ट्रैक्शन भी है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नोट जो मैंने यहाँ एक साल में फील किया है, तो एंड दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर यू ऑल की भाई तुम लोग को शेयर करना चाहिए। ओल्ड राजेंद्र नगर बहुत फेमस है पूरे मतलब इंडिया में UPSC के हिसाब से, तो डिस्ट्रैक्शन भी उतना ही है जितना है पढ़ाई के लिए जाना जाता है। और यहाँ पे बहुत सभी कोचिंग है, सभी कोचिंग और आता है सले पे यहाँ पे क्या जो सिंध है इसे सुनने आए यानी सब कोचिंग ही है, लाइन से कोचिंग है, गाइडिंग है, ये सभी खान सर का भी पीछे सब दिख रहा है तुम्हें सारी कैसी जो तुम टीवी पे देखते हो ना जो एडवर्टाइजमेंट आते कोचिंगों के, तो कोचिंग लेना है तो यहाँ आ सकते हो बट बहुत कॉस्टली है एज कम्पेयर टू मुखर्जी नगर। मैं अभी गया नहीं हूँ बट जहाँ तक मुझे पता है मुखर्जी नगर से भी एरिया कॉस्टली है, रेंट ही 10-12 हज़ार जाता है यार कोचिंग का, तो 1.5-2 लाख रुपये बहुत कॉस्टली पड़ता है। सो अभी ये रात के मैं शूट करो रहा हूँ 1:30 बज रहा है और अभी भी ना तुम्हें यहाँ पर क्राउड मिल जाता है। तो पढ़ने के लिए ना लाइब्रेरी 24 घंटा ओपन है, बहुत अच्छी जगह है मतलब पढ़ने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ है कि डिस्ट्रैक्शन। बहुत बिजली और यार हम 1:30-2 बज रहे तो क्राउड आउट है, लाइब्रेरी भी है, सारी कोचिंग है देखो एकदम लाइन से स्टडी आई तथा इन साइड है यार, जगह तो है सही है। जब भी मैं सुबह उठता हूँ यहाँ आगे थोड़ा टाइम बाहर बालकनी में जरूर बैठता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो थोड़े टाइम के लिए जो सुकून मिलता है ना बेस्ट होता है। एंड ऑलवेज़ प्रीफर कि कुछ टाइम तो जरूर यार एक्चुअली बाहर थोड़ा सा सिटी में यू नो कि इतना कुछ आपको प्लेस मिलता नहीं है, तो जब भी थोड़ा ऐसा शांति जगह मिले अपने आप को थोड़ा टाइम दो वहाँ पे। आप सबके साथ आज की बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ शेयर करनी है, PWLAIS ने UPSC सेगमेंट में सक्सेसफुली 1 साल पूरा कर लिया और फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के मौके पर आप सभी UPSC एस्पिरेंट के लिए PW लेकर आए सभी बैचेस पे स्पेशल ऑफर। PWLAIS लेकर आए आप सभी UPSC एस्पिरेंट के डिफरेंट बैचेस विद बेस्ट क्वालिटी कंटेंट एट द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस, एंड इस ऑफर को एक्सटेंड कर दिया गया 16 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, इसी प्रारंभ 2026। इट्स अ 3-ईयर प्रोग्राम UPSC प्रारंभ 2026 जो फॉर कॉलेज स्टूडेंट, जिसमें आपकी प्रिपरेशन कॉलेज के साथ होगी और आपको सिर्फ UPSC रेडी नहीं साथ ही इंडस्ट्री रेडी करेंगे विद डिफरेंट स्किल्स सिखा के। इसमें जो प्रोमिनेंट फीचर मिलेंगे 3 ईयर वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। एंड फाउंडेशन बैच UPSC CS एग्जाम 2025 के लिए हिंदी, इंग्लिश एंड इंग्लिश बायलिंगुअल में फाउंडेशन बैच अवेलेबल है प्रहार, टाइटन, संकल्प बैचेस के नाम से सिर्फ 7499 एंड 9499 के प्राइस में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड अगर UPSC ऑप्शनल 2024 की बात करूं तो 2 जिसमें एंथ्रोपोलॉजी, PSIR, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिंदी, साहित्य एटसेट्रा, जिसका रेट है 7499। एंड इसके साथ साथ कॉम्बो बैचेस हैं जैसे संकल 2025 प्लस ऑप्शनल जो मिल रहा है 15499 ये हिंदी एंड इंग्लिश में, इसके बाद प्रहार प्लस ऑप्शनल 13499 ये भी हिंदी एंड इंग्लिश में, एंड टाइटन 2025 प्लस ऑप्शनल ये 15499 ये इंग्लिश में। एंड विद दिस इसके साथ UPSC CSAT मास्टर बैच भी है फॉर 2024 जिसका रेट है ऑनलाइन 3999, आपको ऑफलाइन भी पड़ेगा 9999 में, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव रीजनिंग सब कवर कराया जाएगा। एंड इसके साथ आप सिलेक्ट 360 ले सकते हो जिसमें आपकी कंप्लीट 360 तैयारी हो जो सिर्फ आपको मिल रहा है 4999 में, आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन होगी PW के साथ, इसमें आपको मिलेंगे बेसिक ऑफरिंग प्लस प्रीमियम ऑफरिंग।
एंड प्रीमियम अपग्रेड से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो मेरा कूपन कोड यूज कर लीजिएगा आप लोग नी वन के, आपको इंस्टेंट 1000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो व्हाट आई एम डूइंग नाउ, जस्ट क्लीनिंग माय डेस्क एंड देख सकते हो मेरे डेस्क पे अभी कुछ टेस्ट पेपर हैं जो प्रीलिम्स बेसिस हैं और इनको भी मैं बीच बीच में सॉल्व करते रहता हूँ, इनको हटा रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे पॉलिटी कवर करना है। तो अभी लाइब्रेरी ना जाके, क्योंकि अभी मुझे लंच भी करना है, फिर लंच अगर करूँगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। इससे अच्छा अभी दीदी आ जाएंगी, फिर लंच करके ही मैं जाऊँगा। उसके पहले एक दो सेशन में यही 2-3 घंटे का कवर कर लेता हूँ, फिर उसके बाद जाऊँगा। तो अभी टाइम भी 10:30 समथिंग कुछ हो रहा है और उसके पहले एक सेशन तो आराम से कंप्लीट कर सकते हो। तो पॉलिटी का भी तुम लोग को बताया था कि मेरा एक सेशन चल रहा है, इसमें एंड कंप्लीट होने वाला है आज। प्रेसिडेंट वाला जो सेक्शन है, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये वाला सेगमेंट चलेगा, तो उसको कंप्लीट करते हैं स्लॉट में। तो इस स्लॉट में मैं बैठ गया हूं और कंप्लीट करने लगा हूं अपना पॉलिटी का जो नेक्स्ट पार्ट है, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी मैं पढ़ रहा हूं उसको यू नो एक तरह से कंपाइल करते चलूँ, वेरीफाई करते चलूँ कि जो भी मैं पढ़ रहा हूँ एक सही वे में जा रहा है कि नहीं। तो मैं हमेशा थोड़ा लिख के प्रैक्टिस भी करता हूँ, क्योंकि क्या होता है कुछ चीज़ें जब आप लिखते हो तो आपको चीज़ें ध्यान रहती है। तो मैं हमेशा वो ट्राई करता हूँ लिख के प्रैक्टिस करने के एंड साथ में सॉल्व जितने भी टेस्ट पेपर होते हैं उसको सॉल्व करने के। जैसे अभी मेरा पॉलिटिक्स चल रहा है तो इसके टेस्ट पेपर भी एक दो बीच बीच में सॉल्व करते रहो, क्योंकि उससे पता चलता है कि आपकी कोई मिसिंग चीज़ ऐसी तो नहीं है जिस पर आपने काम नहीं किया। तो ये दो चीज़ें मैं करता हूँ एंड इफ़ इन केस अगर आपको ज़रूरत है तो आप भी कर सकते हो, अदरवाइज बेस्ट है। जैसे भी आप पढ़ाई कर रहे हो वो बेस्ट ही रहेगा। तो फटाफट इस सेशन को मैं कंप्लीट करता हूँ और क्योंकि उसके बाद लंच भी करना है, फिर लाइब्रेरी जाना था। आई नो कि मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ आज लाइब्रेरी के लिए, जबकि इतना होता नहीं, बट दैट इज ओके। सो कंप्लीट करते हैं फटाफट इस सेशन। प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट थोड़ा सा बड़ा था मतलब एज कम्पेयर टू अदर, बट इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि मतलब बनते हैं और टिपिकल क्वेश्चन आते हैं। और पिछले बार यूपीएससी प्री में एक सवाल यहाँ से पूछा भी था, ढंग का क्वेश्चन पूछा था जो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, काफ़ी बड़ा था। तो एक वो था और वाइस प्रेसिडेंट, तो ये दोनों चैप्टर में इसको प्राइम मिनिस्टर। और अभी हो रहा है टाइम 1:00, सो अभी इसके आगे करते हैं। और इस टाइम तक यार अभी लाइब्रेरी इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने लंच भी नहीं किया, थोड़ा लेट हो गया। तो मैंने सोचा चलो 2-2.5 घंटे का सेशन यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी जाएंगे फिर आएंगे तो एक एकदम टूटता है। 1:00, लेकिन अभी तक आंटी नहीं आई, आ जानी चाहिए थी। अब भूख भी लगी, पढ़ना भी है, देखते हैं। दीदी आ गई तो खाना बन गया भाई, खाना मिल गया। और वो आते ना तो मतलब बाहर से खाने से तो अच्छा ही है। लंच कर लेते हैं जल्दी से, और खाने में आलू भिंडी की सब्जी, दाल रोटी चावल।